कल मैंने लीवर के बारे में बताया था और लीवर की यूनिट चल रही थी, ठीक है। तो लीवर में यूनिट नंबर 10 अकॉर्डिंग टू टिस यूनिवर्सिटी, तो टिस यूनिवर्सिटी के हिसाब से लीवर के बारे में बताया था और लीवर के इंडिकेशंस के बारे में बताया था। इसके अलावा आज आज जो है पेशेंट प्रिपरेशन भी इवन मैंने बता दिया था कि क्या क्या पेशेंट प्रिपरेशन होना चाहिए, ठीक है। तो लीवर का जो स्कैनिंग होगा उसमें हम लोग को चॉइस क्या होगा ट्रांसड्यूसर का, वो भी मैंने अपने प्रीवियस क्लास में बताया था। तो आइए आज जो है हम सबसे पहले लीवर स्कैनिंग टेक्निक के बारे में बताना चाहते हैं कि लीवर स्कैनिंग टेक्निक कैसे होगी, कैसे हम लीवर की स्कैनिंग करेंगे और कैसे कैसे उसमें सारी चीजों को देखेंगे, और सबसे बड़ी बात कि इमेज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये लीवर ही है। तो सबसे पहले बात आ जाते हैं हम लोग स्कैनिंग टेक्निक के बारे में। लीवर स्कैनिंग टेक्निक, अब जब लीवर की स्कैनिंग जो होती है बहुत इजी है, सिंपल है। हम किसी चीज को भी दो तरीके से सेक्शन में काट सकते हैं, यानी कि काट सकते हैं। देखिए मेरे पास ये एक कप रखी हुई है, इस कप को हम ऐसा करके भी कट कर सकते हैं। अगर ग्लास कटर होगा तो हम इसको ऐसे करके भी काट सकते हैं। तो काटेंगे तो ये इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कहलाएगा, लेकिन अगर हम इसको इस तरह काटेंगे, लंबे रख करके काटेंगे किसी चीज से, तो ये उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होगा। चलिए इसको लीवर में समझते हैं। मान लीजिए कि अगर लीवर है, लीवर की हम लोग यूजुअली दो तरह की मोस्ट कॉमन स्कैनिंग होगी, या किसी चीज की भी हम लोग स्कैनिंग जो करते हैं आमतौर तरीके से दो टेक्निक का अप्लाई करते हैं कि हमारी जो स्कैनिंग होगी एक नंबर में ट्रांसवर्स होनी चाहिए, ट्रांसवर्स, और दूसरे नंबर पे लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। इसको सेजाइटल भी हम लोग कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग सेजाइटल भी कहते हैं। अब रही बात कि हम अब ये ट्रांसवर्स स्कैनिंग करेंगे तो क्या होने वाला है, और लंगिट्यूडनल स्कैनिंग करेंगे तो उसमें क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं एक लीवर की डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, जिसमें हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो लीवर अगर होता है, तो लीवर का अगर शेप होगा तो वो वेज शेप का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। अब हम क्या कर सकते हैं कि लीवर को ट्रांसवर्सली कट कर सकते हैं और इसको हम लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसवर्स सेक्शन में अगर इसको कट करना है, ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करना है, तो हम लोग किस तरह कट करेंगे। देखिए हम अगर प्रोब को ऊपर में रखेंगे तो हम एक सेक्शन इतने दूर के एरिया का ले सकते हैं, ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स। तो हम ऊपर से स्कैनिंग करते हुए नीचे ट्रांसवर्स में इमेज लेंगे। हमने यहां पर एक दो और तीन लाइन खींच करके ये बताया कि इसको हम लोग ट्रांसवर्स में कट करके और इसकी इमेज को देख सकते हैं। जैसे कि ये एक नंबर है, तो ये इमेज में किस तरह से दिखाई देगा, तो ये दिखाई कुछ इस तरीके से ही देगा, ठीक है। और ये जो है आपको क्या चीज का होगा, लीवर लीवर का सेक्शन होगा, लीवर का सेक्शन सेक्शन होगा। और हम कहाँ पे रखा है ये मुझे पता है कि मैंने कहाँ पे रखा और कहाँ पर से इमेज उसकी ली जा रही है, ठीक है। हम ट्रांसवर्स इस साइड का भी कर सकते हैं, यानी कि ये लेफ्ट लोब है और हम राइट लोब का भी ट्रांसवर्स में ही इमेज लेंगे। कई इमेजेस को ले सकते हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक स्कैनिंग करेंगे और हमको मल्टीपल इमेज मिलेगी और उसमें किसी तरह के प्रॉब्लम को देख सकते हैं। तो ये हुई आपको ट्रांसवर्स स्कैन की बात। अब जब हम लॉन्गिट्यूडनल स्कैन की बात करते हैं, तो यही लीवर है,
लेकिन इसका जो हम लोग को सेक्शन लेना होगा, सेक्शन लेना होगा तो कुछ इस तरह लेना होगा, प्रोब को लंबे रखेंगे तो हम इसको इस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको सजाइटल स्कैन। ये कौन सा स्कैन हो जाएगा? सजाइटल स्कैन होगा। तो ट्रांसवर्स स्कैन और सजाइटल स्कैन दो तरह की स्कैनिंग को किया जा सकता है। अब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, लीवर है, तो हम इसके लीवर की जो है पहले अगर ट्रांसवर्स स्कैनिंग अगर करना चाहें तो हम किस तरीके से करेंगे। तो वो प्रोब को मैंने रखा इस तरीके से, एक ट्रांसवर्स इमेजिंग को मैंने करना स्टार्ट किया, इसको ट्रांसवर्सली किया, ठीक है ना। पहले यहां से स्टार्ट किया, ऊपर से नीचे तक आते चले गए, तो प्रोब को कैसे रखा है मैंने, इस तरीके से प्रोब को रखा, ये इसका केबल हो गया, ठीक है। इसी तरह हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्कैन भी कर सकते हैं, जैसे ये वाला स्कैन किया है, जैसे ये स्कैन किया तो हम इसका लॉन्गिट्यूडनल स्कैन भी कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्कैन करने के लिए क्या करना होगा कि प्रोब को सजाइटली रखना होगा और इस तरह से स्कैनिंग करना होगा पूरा फुल लीवर का, ठीक है। फुल लीवर की हम स्कैनिंग कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जो प्रोब को रखेंगे या ट्रांसड्यूसर को रखेंगे तो किस तरह रखेंगे, इसको इस तरह रखेंगे सजाइटल, और ये यहां पर आ जाएगा। लेकिन जब सजाइटल रखेंगे तो ध्यान ये रहना चाहिए कि इसके ऊपर एक नॉब होता है, वो हेड के साइड में रहना चाहिए, वो क्राइनियल साइड में होना चाहिए। ये जो है आपके स्कैनिंग टेक्निक है। और आप देखिएगा यहाँ पर एक बुक है जिसमें से ही कॉपी करके यूनिवर्सिटी की बुक को बनाया है, ये है पाल्मर की, पीएस पाल्मर वाली बुक है, तो इसमें इस स्कैनिंग को बताया गया है, ठीक है। हम क्या करेंगे, स्कैनिंग शुड बी सजाइटल, सजाइटल हो सकता है, ट्रांसवर्स हो सकता है, और इवन इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई अगर हम लोग कर लेते हैं तो ऑब्लिक भी स्कैन कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो रिब्स है वो इस तरह क्रॉस किया हुआ है, तो हमको दो रिब्स के बीच के इमेज को लेना है तो हमें जरूरत पड़ती है कि हम ऑब्लिक स्कैन करें। इंटरकोस्टल स्कैनिंग भी कर सकते हैं और सब कोस्टल स्कैनिंग भी कर सकते हैं। इंटरकोस्टल स्कैनिंग का मतलब ये वाला हो गया, दो रिब्स के बीच में रख करके साउंड वेव को अंदर भेजा जाए और लीवर की इमेज को लिया जाए। और सब कोस्टल क्या हो गया, जहां पर सब ये रिब्स खत्म हुई वहां पर से हम अगर प्रोब को रख करके इमेज को लेते हैं पूरे लीवर का, तो हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका स्कैनिंग टेक्निक, स्कैनिंग द पेशेंट इन सजाइटल ट्रांसवर्स ऑब्लिक प्लेन, स्कैनिंग शुड थ्रू द सब कोस्टल एज वेल एज इंटर कोस्टल अप्रोच। हम पूरा सर्वे करेंगे, यहाँ से पूरा जो है सर्वे करते जाएंगे और सर्वे करते जाएंगे, और इस तरह हमें इसके बारे में ब्रीफ एनाटॉमी भी पता चलेगी और ये भी पता चलेगा कहाँ पे किस स्थान पे ट्यूमर है, मास है या किसी तरह की एबनॉर्मिलिटी है, उसको हम लोग देख सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब आते हैं, आपको मैं दिखाता हूं कि इसको स्कैनिंग के रूप में हम लोग कैसे करेंगे। आप देखिएगा कि अगर यहां पर आपको स्कैनिंग करके दिखाया जा रहा है, ये जो स्कैनिंग है राइट लोब लीवर की, लीवर की राइट लोब के लिए प्रोब को प्लेस किया गया है, है ना, लॉन्गिट्यूडनल। ये कौन सा स्कैन हुआ, ये लॉन्गिट्यूडनल स्कैन हुआ, और इस लॉन्गिट्यूडनल स्कैन में प्रोब को वर्टिकली यानी के सजाइटली रखा गया है, सजाइटल स्कैन है। और इसमें दो चीज की इमेज आ रही है, आप जो यहां पर देख रहे हैं इस पोर्शन पे जो देख रहे हैं ये एरिया, ये पूरा का पूरा लीवर है, यहाँ पर ये जो एरिया है ये पोर्टल वेन है और ये किडनी है, ठीक है। तो लीवर के साथ साथ आपको किडनी भी आ रही है, दोनों चीज की इमेज आपको नजर आ रही है। ये स्कैनिंग को हम लोग वन ऑफ द बेस्ट स्कैनिंग मानते हैं लीवर के साइज को मेजर करने के लिए। वैसा क्यों करते हैं मैं उसको बारे में बताऊंगा, और यहाँ पे जो प्रोब को प्लेस किया गया है वो कैसे किया गया है वो भी मैं बताता हूं। देखिए इस तरीके से अगर आपको प्रोब रखना है तो आपको क्या करना होगा, और ये सबसे बेस्ट टेक्निक है जिससे आप, बेस्ट अप्रोच है जिससे आप लीवर को मेजर कर सकते हैं। तो चलिए हम वापस आते हैं
जहां पर मैं बता रहा था मैं वहीं पे वापस आता हूं। ठीक है, आप देखिए, के ये स्कैनिंग कैसे की गई, उस स्कैनिंग को करने के लिए प्रोब को उस तरह रख करके कि आपकी इमेज ऐसी बने, आपकी इमेज ऐसी बने कि एक साइड किडनी भी डिस्प्ले हो जाए, है ना, और लीवर भी नजर आए, दोनों चीज नजर आएगी। ठीक है, तो हमको एक चीज तो पता है, ये हो गया इपिगैस्ट्रिक रीजन। ठीक है, और हमको जो प्रोब को प्लेस करना है, ठीक है, वेयर यू शुड हैव टू प्लेस द प्रोब, प्रोब को आपको कहां पे रखना है, ये बहुत माने रखता है। हम लोग अगर बात करते हैं, नीचे तो मैं पैर बना देता हूं कि आपको समझ में आए, ये पैर हो गया। ठीक है, और अगर हम लोग ऊपर से बात करते हैं तो यहां पर स्टर्नम होता है, जिसको हम लोग ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम के नाम से जानते हैं, और इस स्टर्नम से एक बोन निकलता है जिसको हम लोग क्लेविकल कहते हैं। ये क्या, कौन सा बोन है, इसको हम लोग क्लेविकल कहते हैं। ठीक है, ये क्लेविकल थोड़ा इलोंगेटेड टाइप का बोन होता है और निकला होता है, तो यहां से भी मैंने क्लेविकल को निकाल दिया। ठीक है, ठीक, अब ये जो क्लेविकल है, ये क्लेविकल कहां पे होता है, यहां पर स्टर्नम, एक्सटर्नल नॉच होगा, यहां पर एक नॉच होता है जिसको हम लोग एक्सटर्नल नॉच कहते हैं, थोड़ा गड्ढा टाइप का होगा, अगर हम लोग दबाएंगे तो वहां पर गड्ढा टाइप का आपको दिखाई देगा, इसको हम लोग एक्सटर्नल नॉच कहते हैं। बात समझ में आई, तो एक्सटर्नल नॉच हुआ, और हमारा जो लीवर है वो किस साइड है, तो वो राइट साइड में है, लीवर किस साइड में है, राइट साइड में है, तो हम राइट साइड के क्लेविकल को पकड़ते हैं और क्लेविकल को पैल्पेट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो ये स्टर्नम, ये इस क्लेविकल जो होता है, इसके बीचों बीच, इसका अगर हम सेंटर मानते हैं, सेंटर लाइन अगर मानते हैं, तो इसके बीचों बीच हम एक लाइन खींचते हैं, एक इमेजिनरी लाइन खींच लीजिए। ठीक है, वो इमेजिनरी लाइन कहां से होनी चाहिए, तो वो क्लेविकल के मध्य से होनी चाहिए, ये जो क्लेविकल है, और इस क्लेविकल के बीचों बीच से जब हम लाइन खींचते हैं तो उस वही राइट प्लेस है जहां पर मेरे को प्रोब को रखना है, और ये वो राइट प्लेस है जहां पर लीवर का राइट साइड आने वाला है, यानी कि सही साइड आने वाला है। ठीक है, अगर यहां पे लीवर है, ठीक है, तो लीवर का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है ना, सबसे बड़ा हिस्सा होता है यहीं पर होता है, सबसे ब्रॉड रीजन जो लीवर का होता है यहीं पे होता है, मिड क्लेविकुलर रीजन में, और यहां पर अगर हम प्रोब को रखते हैं, यहां पे अगर हम लोग प्रोब को रखते हैं, ये मेरा प्रोब है। ठीक है, यहां पे मैं अगर प्रोब को रखता हूं और यहां पर से यदि एक स्कैनिंग करता हूं, इस स्थान से स्कैनिंग करता हूं, तो लीवर का जो है सबसे बड़ा हिस्सा की आप स्कैनिंग कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं फिर से लीवर बनाता हूं, तो नॉर्मल साइज ऑफ द लीवर शुड बी तो नॉर्मल साइज ऑफ द लीवर जो होता है शुड बी लेस देन फोर्टीन सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर या 14 सेंटीमीटर से अबव आ जाएगा तो हम लोग कहते हैं
हेपेटोमेगाली या इनलार्ज लीवर, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? इनलार्ज लीवर, ठीक है, और हेपेटोमेगाली भी कहते हैं। तो लीवर अगर साइज में बढ़ गया तो हम जब मेजर करेंगे तब ना, तो मैंने मेजर करने के लिए क्या तरीका बताया कि ये जो क्लाविकल का जो बीच वाला हिस्सा होता है, क्लाविकल का जो बीच का हिस्सा होता है, वहां पर हम अगर लंबे में प्रोब को रखेंगे तो जो लीवर की इमेज बनेगी, तो लीवर की कुछ इस प्रकार की इमेज बनेगी जिसमें दोनों चीज आपको दिखाई देगा, किडनी भी दिखाई देगा और लीवर भी दिखाई देगा, ठीक है। और वहां पे जो गहराई होगी उसके अनुसार अगर हम लीवर को मेजर करते हैं तो वो हमें 14 सेंटीमीटर तक या उसके बिलो आना चाहिए, 13 आना चाहिए, 12 आना चाहिए, 14 या 14 के अबव हो जाएगा तो हम लोग मान लेते हैं कि लीवर का साइज बढ़ गया है। तो बहुत सारा कारण है जो जिसकी वजह से लीवर बढ़ जाता है, जैसे कि हेपेटाइटिस लीवर की बीमारी है उसमें बढ़ जाता है, ठीक है। एक्यूट स्टेज लीवर सिरोसिस में भी लीवर की साइज बढ़ जाती है ना। एब्सेस अगर लीवर में हो जाए तो उसकी वजह से भी लीवर बढ़ जाता है, या ट्यूमर जैसी घटना हो जाए तो उसकी वजह से लीवर बढ़ जाता है। तो देयर आर सेवरल कॉज ऑफ लीवर इनलार्जमेंट। इवन कुछ कंडीशन में तो ऐसा होता है कि सिर्फ लीवर बढ़ता है और उसके में कुछ दिक्कत नहीं होती है, तो वो सब मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ कि लीवर के साइज को मेजर हम वही स्थान से क्यों करते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि अगर मैं लीवर को ऐसा करके बनाता हूँ तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं इस फिगर में? आप इस फिगर में ये ऑब्जर्व करेंगे कि भैया लीवर का जो ये वाला पोर्शन है ये सबसे बड़ा है। अगर हम इसको नापेंगे तो ये सबसे साइज में बड़ा है, ठीक है ना। तो हम है ना, ये वाला जो है सबसे बड़ा है। अच्छा, यहाँ पर लीवर जो है लैटरल साइज में छोटी, फिर थोड़ी बड़ी हुई, फिर बड़ी हुई, फिर बड़ी हुई, फिर बड़ी हुई, लेकिन मिड क्लेविकुलर रीजन जहां पर होता है वहां पर का हिस्सा सबसे बड़ा होता है, तो वो एक्यूरेट इमेज देता है। अगर मान लीजिए किसी का लीवर साइज में बढ़ भी जाए और हम इस जगह पर से अगर इसको मेजर कर दें तो उसका नॉर्मल से भी कम आ जाएगा, जबकि उसका लीवर साइज में बढ़ा हुआ है। बात समझ में आ गई? तो लीवर को मेजर हम लोग इस तरीके से करते हैं और हमें इस तरह का इमेज नजर आता है, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूं, इस तरह का इमेज आता है और हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है, आपको लीवर। अच्छा, अगर हमको लीवर को पहचानना होगा, हाउ वी विल आइडेंटिफाई दैट दिस इज इमेज ऑफ लीवर, तो बड़ा सिंपल है। लीवर की जो भी इमेज होगी उसके नीचे में एक चमकीली सी धारी दिखाई देगी, एक बॉर्डर दिखाई देगी, और ये बॉर्डर कुछ नहीं, ये डायफ्राम है। तो डायफ्राम के ऊपर में जो पैरेन्काइमा आपको कंप्लीट जो दिखाई दे, पैरेन्काइमा का मतलब होता है फंक्शनल टिश्यू, तो फंक्शनल टिश्यू जो दिखाई दे तो उसको हम लोग लीवर कहते हैं। आप लीवर के हर फिगर को आप देखिएगा, सब में यहां पर नीचे चमकीला सा दिखाई देने वाला है, ठीक है। दूसरी जो इमेज ली गई है ये आपको इंटरकोस्टल स्कैनिंग की जा रही है और इस रीजन को देख लीजिए, जहां पर रखेंगे तो हमें इस तरह की कुछ फिगर आने वाली है जिसमें आप पोर्टल, आप जो है इंफीरियर वेना कावा को देख रहे हैं और ये जो आप ये जो प्रोजेक्शन उंगली की तरह देख रहे हैं ये क्या है? हेपेटिक वेन है। ये क्या है? हेपेटिक वेन है। लेफ्ट हेपेटिक वेन, मिडिल हेपेटिक वेन और राइट हेपेटिक वेन। हाँ, तो ये जो हेपेटिक वेन है ये अगर ज्यादा डायलेट कर जाता है ना, मेजर करते हैं और देखते हैं भैया ये डायलेट कर दिया, तो वो कंडीशन जो है कार्डियक डिजीज की होती है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में ऐसा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपका स्कैनिंग टेक्निक में आप देखिए। फिर हम लोग सब कोस्टल स्कैन करके देखते हैं। सब कोस्टल स्कैन में भी देखिए नीचे डायफ्राम आपको दिखाई दे रहा है। प्रोब को कैसे रखा गया है? तो ये ट्रांसवर्स रखा गया है, थोड़ा सा एंगुलेट की इसे, किधर? सीफेल्ड ऊपर की तरफ। तो हमें जो इमेज आ रही है इसमें दिखाई दे रहा है, जो चमकीला दिखाई दे रहा है, ये बीन शेप या फ्रेंच बीन टाइप का जो दिखाई दे रहा है कुछ नहीं, पोर्टल वेन होता है। पोर्टल वेन को हम लोग बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। पोर्टल वेन को इसलिए हम आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि उसकी जो बॉर्डर लाइन होती है, इसकी जो बाहरी मार्किंग होती है, वो ज्यादा चमकीली आपको दिखाई देती है। तो आप अगर लीवर की इमेज देख रहे हैं, लीवर की इमेज को देख रहे हैं और उस कंडीशन में आप ये देखते हैं कि लीवर की इमेज बनी और लीवर की फोटो भी आई
और फोटो आने के बाद उसके फोटो में जो नलियां दिखाई दे रही हैं वो थोड़ी चमकीली हैं, तो वो आपको पॉर्टल वेन को इंडिकेट करेगी। देखिए यहाँ पर आपको पॉर्टल वेन है, इसका पॉर्टल वेन आप चाहे लंबे में देखें, पॉर्टल वेन चाहे आप गोल में देखें, दो तरीके से देख सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज जो नली होती है, अगर ये पेन है ये नली के तरह है, तो इसका अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे तो ये राउंड दिखाई देगा बिल्कुल इस तरीके से, जैसा ये है, ठीक है। अगर हम ट्रांसवर्स स्कैन करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनली स्कैन करेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, ऐसा लंबा दिखाई देगा। तो ये स्कैनिंग ट्रिक है जिसको आपको जानना जरूरी है कि ये आपका स्कैनिंग टेक्निक है। तो आपने ये समझा कि हम कैसे स्कैनिंग कर सकते हैं, और इवन आपने ये भी जाना कि हाउ वी विल आइडेंटिफाई द पॉर्टल वेन। पॉर्टल वेन का जो दीवार होता है बाहर का, देखिए कहीं पर भी पॉर्टल वेन होगा, पॉर्टल वेन अगर होगा तो उसकी जो बाहर की जो दीवार होगी वो चमकीली होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर एक बना दिया, बाहर की दीवार क्या है, चमकीली है, है ना, इकोजेनिक है, इकोजेनिक है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसकी दीवार चमकीली है और अंदर में क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है, ब्लड भरा हुआ है, इसलिए काला। यही एक ऐसा वेसल है जो आपको चमकीला दीवार दिखाता है, ठीक है। तो हम इजिली समझ जाएंगे, पहचान जाएंगे कि भाई ये जो है पॉर्टल वेन है। तो आपने स्कैनिंग टेक्निक के बारे में समझा कि हम कैसे स्कैन कर सकते हैं, प्रोब को रख करके हम चाहे तो ट्रांसवर्स स्कैन कर सकते हैं, चाहे तो लॉन्गिट्यूडनल स्कैन कर सकते हैं, और चाहे तो ऑब्लिक स्कैन कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर फिगर, यहाँ पर बहुत एक्यूरेट फिगर बनी हुई है। देखिए ये क्लेविकल है, है ना, ये क्या है, क्लेविकल, क्लेविकल, और ये क्लेविकल के बीचों बीच से जो लीवर का जो ये वाला पोर्शन देख रहे हैं ये सबसे बड़ा है। तो हमारा सबसे एक्यूरेट मेजरमेंट यहीं पर से ना होगा, और दूसरे जगह से तो होगा नहीं। यहाँ क्या लिख रहा है, इट इज डिफिकल्ट टू मेजर एक्यूरेटली द ओवरऑल साइज ऑफ द लीवर। एक्यूरेटली ओवरऑल साइज हम लोग लीवर का तो लेना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप लोग मिड क्लेविकुलर अगर स्कैन पर ट्रांसवर, आप कौन सा स्कैन करेंगे, सजाइटल स्कैन करेंगे, ठीक है, या लॉन्गिट्यूडनल स्कैन करेंगे, तो जो लीवर की इमेज आएगी उसमें लीवर को लेस देन 14 सेंटीमीटर होना चाहिए किसी एडल्ट में, ठीक है। और इससे हम लोग इस चीज को अंजाम कर लेते हैं कि ये लीवर का प्रॉब्लम है कि नहीं, ठीक है। अब अगर हम लोग लीवर के पैरेन्काइमा के बारे में समझना चाहेंगे कि लीवर का नॉर्मल पैरेन्काइमा कैसा होता है, तो आइए इसको हम लोग आते हैं। अब स्कैनिंग आपने समझ लिया, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वाइट ले लेते हैं, ज्यादा दिखाई देगा, नॉर्मल लीवर अल्ट्रासाउंड में हम लोग नॉर्मल लीवर को कैसा देखते हैं। तो इट्स पैरेन्काइमा, इट्स पैरेन्काइमा अपीयर्स होमोजेनस, होमोजेनस है ना, इसका जो पैरेन्काइमा है वो होमोजेनस दिखाई देगा। होमोजेनस का मतलब क्या होता है, एक समान, ठीक है ना, एक समान, एक जैसा, है ना, जैसा होना चाहिए, एक समान हमें दिखाई देगा, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं होमोजेनस। आप अगर फिगर में भी देखेंगे तो वो होमोजेनस ही नजर आएगा। आप दिखा देते हैं हम फिगर में, तो आप अगर लीवर के पैरेन्काइमा को देखते हैं तो लीवर का पैरेन्काइमा कहीं पर से भी देख लें, चाहे यहां पर से देखें, चाहे यहां पर से देखें, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये इसका जो जितना भी पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा का मतलब होता है वर्क, जो फंक्शनल टिश्यू हो, तो इसका जो टिश्यू होगा पूरा फंक्शनल टिश्यू वो एक जैसा दिखाई दे रहा है, हर जगह पर एक जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन बीच बीच में आप काला काला देख रहे हैं, ठीक है,
तो ये तो होमोजेनस नहीं हुआ, एक समान नहीं हुआ, यहाँ पर भी काला काला देख रहे हैं, ठीक है, ये भी होमोजेनस नहीं हुआ, अब तो हेट्रोजेनस हो गया। नहीं, आपका जो सेंटेंस है उस पर अगर आप लोग गौर फरमाइएगा तो उसमें लिखता है कि पैरेन्काइमा अपीयर होमोजेनस, पैरेन्काइमा जो उसका टिश्यू है वो होमोजेनस दिखाई दे रहा है, और उसमें जो काला काला जो इंटरप्शन दिखाई दे रहा है, जो धब्बा दिखाई दे रहा है, वो खून की नली है, वो खून की नली, चाहे वो हेपेटिक आर्टरी होगी, चाहे वो हेपेटिक वेन होगी, चाहे वो पोर्टल वेन होगी, ये सारी चीज का इंटरप्शन हो सकता है, लेकिन होमोजेनस उसका जो खुद का सेल है वो होमोजेनस दिखाई देगा, उसका खुद का जो सेल है वो होमोजेनस दिखाई देगा, ठीक है, नॉर्मल होमोजेनेसिटी, ठीक है। इन सोनोग्राफिक इमेज लीवर पैरेन्काइमा इंटरप्टेड बाय, है ना, इंटरप्टेड बाय वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल लीवर में, नॉर्मल लीवर में किसी तरह का पैथोलॉजिकल कंडीशन को हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि सिस्ट हो गया, जैसे कि ट्यूमर हो गया, जैसे कि एब्सेस हो गया, कुछ भी एबनॉर्मिलिटी देख सकते हैं। लेकिन इसकी अगर हम इकोजेनेसिटी की बात करें, चमक की बात करें, तो इसकी चमक जो है ना, लिटिल हायर देन किडनी, किडनी से थोड़ा ज्यादा ये चमकीला होता है ना, इट्स इट्स इकोजेनेसिटी विल बी slightly higher than renal parenchyma, इसकी जो चमक है ये थोड़ी सी ज्यादा होगी renal पैरेन्काइमा से। आइए देखिए, ये देखिए, ये थोड़ा काला है ना, और उसकी जो है चमक थोड़ा ज्यादा है लीवर की, है ना, दो मिनट, slightly, ठीक है, slightly higher than renal parenchyma, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, इसके नीचे में हमें डायफ्राम दिखाई देगा, और हम लोग लीवर के साथ, लीवर में गॉल ब्लैडर देखते हैं, गॉल ब्लैडर देखते हैं, है ना, और कॉमन बाइल डक्ट को भी देखते हैं, है ना, और कुछ एडजेसेंट स्ट्रक्चर को देखते हैं। There are eight, आप लोग तो जानते हैं कि there are two lobes, है ना, in liver, है ना, अगर हम लोग anterior side से देखेंगे तो, है ना, anterior side से देखेंगे तो, अगर हम लोग liver को anterior side से देखते हैं तो इसका दो लोब होता है, यहां पर एक लिगामेंट होता है जिसको फैल्सिफॉरम लिगामेंट कहते हैं, और यह फैल्सिफॉरम लिगामेंट जो है लीवर को दो लोब में बांटता है,
एक आपको हो जाएगा लेफ्ट लोब और एक हो जाएगा राइट लोब। लेकिन इसको जैसे ही पलटेंगे तो इसमें क्वाड्रेट और क्वाड्रेट लोब भी दिखाई देगा, क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट लोब। लेकिन ये सफिशियंट नहीं है, सोनोग्राफिकली हम लोग या सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लीवर के 8 सेगमेंट्स होते हैं। देयर आर 8 सेगमेंट्स इन द लीवर, ठीक है, और इसके प्रत्येक सेगमेंट की खुद की ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है, और अल्ट्रासाउंड करने के दौरान हम लोग सेगमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। नॉर्मल एनाटॉमी में हम उसके सेगमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से सेगमेंट में प्रॉब्लम है, यानी कि लीवर एक है उसको हम लोग 8 सेगमेंट में बांटा। जैसे कि हम किसी के एब्डोमेन को हम लोग कितने क्वाड्रेंट में बांटते हैं, तो 9 क्वाड्रेंट में बांटते हैं। इसी तरह लीवर को हम लोग 8 सेगमेंट में बांटेंगे और जब इसको बांटना सीख जाएंगे, इसमें मास्टरी हासिल कर लेंगे, तो आपके लिए लीवर को पहचानना और लीवर का अल्ट्रासाउंड करना और उसमें बीमारी को समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। इवन आप प्रोब को रख रहे हैं तो आपको पता रहेगा कि आप कौन से सेगमेंट की इमेज लेने वाले हैं, आपके इमेज में कौन कौन सेगमेंट आया है। तो चलिए मैं बताता हूं कि इसका कितना सेगमेंट होता है, 8 सेगमेंट होता है। तो अगर मैं लीवर को बनाता हूं, असल में टाइम है 1 मिनट 27 सेकंड। सर उल्टा इमेज बनेगा, पलट की इमेज बनेगा, अरे वो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पलट के कैसे होता है, हम जो बना रहे तो हाथी से, हाथी से तो बनाना है ना, तो पलट दीजिए जैसे बनाते हैं उसको, उल्टा कर दीजिए। ओ तो उल्टा वाले पे मेरा हाथ नहीं सेट है, इसको उल्टा बना अच्छा, दे इस तरह हाँ इसमें ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि वो पलट के ही देख सकते हैं। अच्छा उल्टा आता है आपके मोबाइल में? नहीं नहीं मेरे में तो सीधा आ रहा है, मतलब इमेज उल्टा बनेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा उसमें। अच्छा नहीं ये सेगमेंट समझने के लिए इस सीधा बनाना जरूरी है, बात समझ में आ गई? ठीक है ओके रहने दीजिए, आज यहीं तक रहने दे, टाइम इज ओवर। नेक्स्ट ओके सर, क्लास नेक्स्ट क्लास टुडे टुमारो अबाउट सेगमेंट्स, ठीक है, इसके सेगमेंट्स के बारे में बताएंगे। इसका नाम बता दीजिए सर, नाम बता दीजिए ना, नाम किसका, सेगमेंट का सुपीरियर लैटरल है ना, इंफीरियर लैटरल, सुपीरियर मीडियल, इंफीरियर मीडियल, ठीक है ना, उसके बाद है एंटेरियर सुपीरियर।